कितने साल से रह रही हो? 70-80 साल होएंगे, 3 पीढ़ी मर गए हम नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों में बुलडोजर का खौफ देखने को मिला। हाई कोर्ट ने यहां के फखरपुर थाना इलाके के सराय जागना गांव में 23 दुकान और मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया था। बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई से पहले ग्रामीणों ने अपने हाथ से खुद अपने आशियाने को तोड़ना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों और दुकानों को तोड़ रहे हैं, वहां से अपना सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। दोपहर को कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें गांव पहुंची थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम समेत पुलिस फोर्स जागना गांव पहुंची। उन्होंने बुलडोजर के जरिए चिन्हित मकानों और दुकानों को तोड़वाना शुरू कर दिया। इससे पहले ग्रामीणों ने खुद ही अपने मकानों और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि वो यहां कई सालों से रहते आ रहे हैं, अचानक इस जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया, उनका घर भी इसमें शामिल है। हम खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं, मकान में रखा सामान निकाल कर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो वहीं गांव की महिलाएं रोते हुए कहती हैं कि उनका घर टूट गया है, उनका अब कोई ठिकाना नहीं है, वो अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगी, उनकी माली हालत भी काफी खराब है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर उप जिलाधिकारी के द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। कितने साल से रह रही हो? 70-80 साल होंगे, 3 पीढ़ी मर गए हम नहीं है। आप पता नहीं है हाईकोर्ट के आदेश पर बहराइच जिले के फखरपुर थाना अंतर्गत सराय जांगना गांव में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। एसडीएम का कहना है कि चिन्हित किए गए 23 दुकान और मकान खेत खलिहान और ग्राम समाज की जमीन पर बनाए गए थे। हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें तोड़ा जा रहा है। 23 मई 2023 में हदीसुल की तरफ से की गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए सरकारी जमीन को खाली करने का आदेश निर्गत किया था। इसी संबंध में कार्रवाई की जा रही है।